हेलो एवरीवन, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम, और हिंदी में इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, आज पार्ट वन कर ले और नेक्स्ट टाइम से हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और हर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां अलग अलग तरह का कार्य करती है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये हमारा मस्तिष्क का पोर्शन है, और मस्तिष्क में टोटल चार तरह की अंतःस्रावी प्रणाली पाई जाती है। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा आप देख रहे हैं एकदम छोटा सा जगह में है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और एकदम यहाँ पे बीच वाले भाग में है थैलेमस, और जस्ट इसके नीचे में आप देख रहे हैं पेनियल ग्लैंड है, पेनियल ग्रंथि। जो ये श्वसन नली है यहाँ थाइमस होता है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो ये एकदम गले में है ना, गले के पीछे भाग में कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि होता है। इसके बाद आप देख रहे हो कि जस्ट लीवर के नीचे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैनक्रियास। सब हम आपको अलग अलग तरह से बताएंगे कौन क्या करता है। और एक लास्टली आप देख रहे हो कि आप ये किडनी के जस्ट ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि। तो ये पिक्चर्स में तो आपको दिख गया कि कौन किसका पोजिशन कहाँ होता है, यानी आपने मस्तिष्क में देखा चार हो गया, गले और श्वसन में आपका दो हो गया, इसी तरह से नीचे आने पे डिवीजन हो जाता है। खैर, इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, तो आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला ये एमसीक्यू आ चुका है, विज्ञान में थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक कहा जाता है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे थॉमस एडिसन, ठीक है। और अंतःस्रावी के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंड्रोक्राइनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में लॉजी एक रूट वर्ड है, जब भी किसी शब्द के लास्ट में लॉजी लग जाए इसका मतलब हो जाता है अध्ययन, यानी अगर हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्ट था, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं हर समय पर रहती है, जिनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। आप समझ रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर मेरे को पढ़ाने जाना है तो ये मेरा ऐच्छिक क्रिया हुआ। शरीर के अंदर मान के चलिए हमारा हार्ट बीट हो रहा है, किडनी फिल्टर कर रहा है, तो ये सारे के सारे अनैच्छिक क्रियाएं हुई। तो शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, यानी आप कह सकते हो डायरेक्टली दिमाग से ये रिलेटेड होता है, यानी नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं। ये क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी डिसाइड किया कि मेरे को बाहर जाना है, तो इमीडिएट हम लोग बाहर निकल पड़ते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा। इसके अतिरिक्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन वर्ड आपने सुना ही होगा, यानी शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, जैसे पाचन हो गई, हार्ट बीट हो गया, किडनी फिल्ट्रेशन हो गया, पसीना निकालना हो गया, ठीक है, सपोज करिए कि हमारा सोना हो गया, तो ये जितने सारे हमारे हो गए सब हार्मोन के द्वारा संचालित होता है। और लिखा हुआ है कि विशेष रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उन्हें ही हार्मोन कहते हैं, और ये सारी क्रियाएं मतलब एक समय लेकर के होती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपका डाइजेशन, आपने खाया और दो मिनट में डाइजेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अपने समय के हिसाब से होता है, इसलिए ये मंद गति की क्रिया है। देखिए लिखा हुआ है ये मंद गति से होने वाली क्रियाएं। इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ रक्त में होकर वृद्धि जनन, उत्सर्जन, पाचन आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शरीर के भीतर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका रस नलिका द्वारा उनसे निकलकर, मतलब जो रक्त नलिका होता है, यहाँ पर एक्चुअली रक्त नलिका होना चाहिए, रक्त में मिल जाता है,
और शरीर के अन्य अंग में पहुंचकर अपना काम करता है। तो जब आप एक एक करके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हाल में आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने एस्ट्रोजन पढ़ा है, एंड्रोजन पढ़ा है, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा हुआ है, तो सबका वही हार्मोन था, पर्पस आपको पता ही है। श्वेत ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, अमाशय अस्थि, अग्नाशय ग्रंथियाँ और यकृत ऐसी ग्रंथियाँ हैं जिनका स्राव या तो सीधे अंग में भीतर से निकलता है। तो आइए इसके लिए ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देख कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मुंह में लार आ जाना, अमाशय में जठर रस यानी बाइल जिसको बोलते हैं, है ना, या पित्त रस बोल सकते हो, यानी मुंह में जो लार आता है वो तो आपका ऐच्छिक क्रिया तो है नहीं, मुंह में जो लार आ रहा है आपका ये तो हार्मोन के द्वारा संचालित है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुंह में लार आना, अमाशय में जठर रस, जो भी आपका होता है कि विशेष नलिका या प्रणाली द्वारा विशेष अंग में पहुँचता है जिसका जहाँ जरूरत है, जैसे पित्त तथा अग्नाशय रस विशेष नलिकाओं द्वारा पकवासे में पहुँचता है। और श्राव का कार्य केवल उत्तेजना प्रदान करना है नहीं, बल्कि वे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं, मतलब जो उनका काम है उसको वो कंट्रोल भी करता है, यानी हार्मोन का काम, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो गॉल ब्लैडर में हमारा जठर रस जो होता है या लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में होता है, उसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को और आगे बढ़ाना। तो ये जब आप खाना खाइएगा तब जा कर के होगा, हमेशा नहीं होते रहता, यानी टाइम बाय टाइम ये चलते रहता। शरीर में रक्त एक महान संयोजक होता है, इसी के माध्यम से यहाँ रक्त कर लीजिएगा, इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश का आदान प्रदान होता है, ठीक है। रक्त में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो संदेशों का आदान प्रदान करता है, और इस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, यही हार्मोन होता है। यानी जो संदेश होता है, मतलब जो आंतरिक क्रियाएं आपके बिना अनुमति के चल रही है, इसका काम ये हार्मोन करता है और रक्त के माध्यम से इधर उधर जाते रहता है। यह रासायनिक पदार्थ अंतःस्राव होता है, ये तो मैंने बताया। इन ग्रंथियों का प्रायः संबंधित अंगों से संपर्क कटा होता है, इसलिए इन्हें नलिका वाहिनी ग्रंथियां कहते हैं, मतलब ये नलियों के द्वारा प्रभावित होती है, ये कहना चाह रहा है। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में युक्त होकर सारे शरीर में बहते हैं, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं। इन्हीं स्रावी पदार्थों को हार्मोन कहते हैं, थायराइड, पीयूष, थाइमस, एड्रेनल आदि ग्रंथियां इसके उदाहरण हैं। मतलब ये सारे जो है ना, ये हार्मोन है, जैसे आप बाद में जाके पढ़िएगा, थायराइड तो ग्रंथि होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसी तरह से आप धीरे धीरे आगे जाके पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये आप टाइटल देख रहे हो, यहाँ से एक्चुअली मेन टॉपिक शुरू होता है, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आप देख सकते हो कि लगभग 7 तो हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। पहला है थायराइड ग्रंथि, नेक्स्ट है पैराथायराइड, अगला है हमारा अधिवृक्क, क्योंकि वृक्क के ऊपर पाया जाता है, एड्रेनल ग्रंथियां, अगला है अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस, पेनियल और बाकी एक्स्ट्रा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बार दोबारा से। उपर्युक्त इन सभी ग्रंथियों से भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जितने भी ग्रंथि का आपने नाम सुना, सबसे अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन अब तो सीख गए हैं कि ये एक्चुअली रक्त से होकर प्रभावित होता है, ये रासायनिक पदार्थ होता है जो समय पर निकलता है ना। तो आप 2-3 बार पढ़ ही चुके हैं, जो शरीर के भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रभाव डालते हैं। इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर के एक भाग से सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, मतलब निकलता है, स्रावित होने का मतलब, और सारे शरीर में वितरित यानी डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब एक जगह आपका रक्त में बनेगा और बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इनके सूक्ष्म मात्रा ही विशेष अंगों के कार्य को वातावरण दशाओं की आवश्यकता अनुसार प्रभावित करती है। मतलब हार्मोन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत नॉर्मल और बहुत कम बनता है, और एक तरह से कहें तो जितना जरूरत है उतना ही स्वस्थ शरीर में बनेगा। यही कभी ज़्यादा बनने लगे तो शरीर में दिक्कत आ जाता है, जब कम बनने लगे तो दिक्कत आ जाता है ना। हार्मोन प्रायः भोजन में नहीं होते, जैसे आप विटामिन भोजन से ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं, लेकिन हार्मोन जो होता है ये आपका खाना में नहीं होता है, तो आप बाहर से नहीं ले सकते। ये शरीर में ही अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं।
और रासायनिक स्तर पर ये प्रायः प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब यहाँ पर एक एमसीक्यू आपको मिल रहा है कि हार्मोन किसके बने होते हैं, तो हार्मोन जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हो अगर कॉमन सेंस लगाए कि अगर आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस हो और आपको अच्छा रखना है, इसका मतलब आपको अपने ग्रंथियों को अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, हमारी एड्रेनल ग्रंथि हो गई, जिनसे जिनसे वो रिलेटेड है, तभी जा करके हार्मोन एकदम जितना निर्माण होना चाहिए उतना आपका बनेगा। प्रायः ये जल में घुलनशील होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, क्योंकि रक्त से हो रहा तो जल में घुलनशील होगा ही। और इनका स्राव बहुत ही कम मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय पदार्थ होते हैं। क्योंकि देखो, रासायनिक जो भी चीज़ होगा ना, वो ज़्यादा ही सक्रिय आपका कहलाएगा। इनका शरीर में संचय नहीं होता, मतलब जो हार्मोन बनता है ना, सोचिए अपना काम कर दिया और काम करने के बाद जो वो बचा, जैसे मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा पानी लिया, पानी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब जो उसमें से खराब चीज़ बचा वो यूरिन के थ्रू से बाहर निकल जाएगा। आगे देखो वही लिखा होगा, ये यकृत तथा वृक्क द्वारा, यानी वृक्क यानी किडनी द्वारा रक्त से जल्दी जल्दी हटाकर बाहर कर दिए जाते हैं। मतलब जैसे इसका जरूरत खत्म हो गया, बाहर कर दिया जाएगा, फिर हार्मोन बनेगा, फिर उसका काम होगा, फिर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए यह शरीर में जमा नहीं होता है। प्रायः मूत्र के साथ इनका उत्सर्जन होते रहता है, जो आप समझ पाए हैं। कुछ हॉर्मोन्स का शरीर की सारी कोशिकाओं पर, लेकिन अधिकांश का शरीर की कुछ निश्चित कोशिकाओं पर ही सुनिश्चित प्रभाव होता है। यानी बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जिसका शरीर में मैक्सिमम कोशिका पे असर होता है, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिसमें, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया सर, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसका शरीर में पूरे कोशिका जहाँ जहाँ सब पे असर होता है, लेकिन अगर 10 में से हम आपको 8 बोले तो 8 कोशिकाओं का कुछ पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे आपने नाम भी देखा एड्रेनल है, पीयूष, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो आपने हार्मोन पढ़ लिया, अब एक तरह से हम लोग देख लेते हैं एक निचोड़ कि हार्मोन शरीर में करता क्या है। शरीर के उपापचय पर नियंत्रण, यानी जो आपने खाना खाया उसको पचाना। अग्नाशय के पाचक रस, यानी जो मैंने आपको जठर रस बोला, जिसको आप बाइल समझ सकते हो, का पाचन में पूर्ण नियंत्रण इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हीं मतलब हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है हृदय स्पंदन, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिस पर हार्मोन कंट्रोल करता है। यानी हार्ट बीट का दर जो आपका होता है 72 स्वस्थ मनुष्य में एक मिनट में, श्वास लेना यानी आप सांस ले रहे हो, यानी ये भी हार्मोन के द्वारा संचालित होता है। शरीर के कुछ अंगों को सक्रिय करता है और कुछ वर्गों को निष्क्रिय करता है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप सोने जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन दिमाग हार्ट बीट चलते रहता है। तो शरीर को सोचिए उस तरह, उस समय में हार्मोन स्थिर कर दिया, लेकिन इंटरनली हार्ट बीट आपका काम हो रहा है, मतलब वो सोचो से सक्रिय है, ये कहना चाह रहा है। ये फिल्ट्रेशन का काम किडनी के द्वारा हो रहा है, ये सक्रिय है। आपका दिमाग जो रहता उस समय सोया रहता है, यानी एक तरह से कुछ जगह में निष्क्रिय हो गया, कुछ जगह में सक्रिय हो गया। अच्छा, प्रजनन से संबंधित अंगों का विकास तथा उसके संपूर्ण क्रियाविधि पर नियंत्रण ये है। यही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जनन अंग का विकास हार्मोन के द्वारा ही संभव है। शरीर की समुचित वृद्धि और बाह्य वातावरण बनाया जाता है। ये तो आप समझ गए, शरीर का ग्रो करने के लिए हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरह की ग्रंथियाँ, जो कि हमारा टाइटल भी है अंतःस्रावी ग्रंथि, और अच्छे से पढ़िएगा, सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, तो मैंने आपको फोटो में दिखाया, मस्तिष्क में ही होता है। यह मस्तिष्क के नीचे भाग में लटकी हुई होती है। ठीक है, हम फोटो नहीं जा रहे हैं दोबारा, आपने देख लिया है। इसकी रचना कैसी होती है, मतलब एक्चुअली ये दिखता कैसे, यह सबसे छोटी अस्थि होती है, ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू बन गया। यह सबसे छोटा जो होता है ग्लैंड होता है, और लाल एवं भूरे रंग की होती है, मतलब इसका कलर जो होता है वो रेड या ब्राउन होता है। ठीक है, इसका व्यास जो होता है वो 12 mm होता है, mm मतलब मिलीमीटर, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी पार्ट है ये हमारे शरीर का। अब रह गया यार, काम क्या होता है इसका। यह शरीर शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया, यानी आपका जो शरीर का ग्रो होता है, यानी जो आप बढ़ते हो,
बाकी जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए पीयूष ग्रंथि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आगे का भाग और एक होता है यार पीछे का भाग। अब ये दोनों क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। देखिए आगे का भाग, ठीक है, यह छेद प्रभावी स्राव छोड़ता है जो शारीरिक, मानसिक और यौनिक वृद्धि विकास पर नियंत्रित। यानी अगर मान लीजिए ये मेरा पीयूष ग्रंथि है तो ये सामने वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। तो सामने वाला भाग देखो क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है, ठीक है, ये शारीरिक आपका डेवलपमेंट भी करेगा, मानसिक मतलब आप जैसे जैसे बड़े होंगे, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो उनका 5 साल वाला ही सोच होगा, फिर वो मान के चलिए 20 साल हो गया तो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगा, फिर वो 25 होगा तो और मैच्योरिटी आ जाएगा। यौनिक वृद्धि तो आपको मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करवा ही दिया कि जिस तरह से लड़के बड़े होंगे तो उसमें बाल वगैरह आना, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी का हो जाना, सेम इसी तरह से लड़कियों में, तो ये आपका हो गया यौनिक वृद्धि। इसका स्राव, इसका अधिक स्राव होने से अंगों के अनुचित रूप में वृद्धि होती है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन बनाता है सामने वाला पोर्शन, अगर वो ज़्यादा बनाने लगा तो आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल आपके आस पड़ोस में मिल जाते होंगे, पैरों का लंबा होना, बहुत ऐसे लड़के और लड़कियां होती है कि मान लीजिए उनका पैर बहुत लंबा होता है ज़रूरत से ज़्यादा, सिर बढ़कर बेडोल हो जाना, यानी मान लीजिए कि आपका ये ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाने लगा तो कई बच्चे के देखिएगा जन्म के साथ ही सर बहुत भारी हो जाता है और वजन उठाने नहीं सकता है। शीघ्र प्रौढ़ अवस्था ग्रहण कर लेना, ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा डिमेरिट है। देखिएगा आज के ज़माने में 22 साल 25 साल के लड़के या लड़कियां जो होती है, मतलब एक तरह से उनको देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत एजेड है, 40-45 के दिखेंगे। तो कारण क्या है कि हार्मोन बहुत ज़्यादा उनके शरीर में बन जा रहा है, इसकी कमी से विकास धीमा होता है। तो आप उल्टा समझ सकते हो, जब अधिकता से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो कमी से यार विकास ही नहीं होगा। मान लीजिए कि जो शारीरिक विकास करने वाला हार्मोन है शरीर में कम है तो विकास धीमा होगा। और इसका जस्ट उल्टा आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि मान के चलिए कोई बंदा 25 साल का है लेकिन देखिएगा तो वो दिखेगा आपका वही 15-16 साल का, क्यों, शारीरिक में एकदम दुर्बलता छाया रहेगा, बहुत पतला सा रहेगा और मैच्योरिटी तो आ जाता है, कई बार वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहता है, ठीक है, बच्चे ठिगने रह जाते हैं, मतलब नाटे रह जाते हैं। दूध इसका स्राव होने में सहायता करता है, मतलब अगर दूध आप पीते हो तो ये आगे वाला जो हार्मोन है ये बनता है। अच्छा, पीछे का भाग क्या कहलाता है, इस स्राव को पीछे पिट्यूटेसिन कहते हैं, ठीक है, इसमें 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं, यानी पीछे के भाग में 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं जिसमें से देखिए मेन रूप से क्या है, पिडर्सिन और पिटोसिन, ठीक है। तो 2 तरह के हार्मोन होते हैं इसमें, टोटल कितने हो गए, 4 पीछे के भाग में। ये 2 तरह का काम क्या है ये देखते हैं, ये देखो पिटोसिन द्वारा क्या होता है, यानी पिटोसिन करता क्या है, तो ये शक्कर और रक्तचाप पर नियंत्रण। तो आप सोच सकते हैं यार कितना ज़्यादा जरूरी है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये। पिटोसिन आपका क्या करता है, ये जो शर्करा शरीर में होता है, यानी जब आप बोल सकते हो जिससे डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है ज़्यादा होने से, यानी उसका और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखता है। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, अगर ये शरीर में कम गया तो व्यक्ति मोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा तो वो आलसी बन जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये भी देखा कि कई व्यक्ति काफ़ी मोटे होते हैं, कई बच्चे काफ़ी मोटे होते हैं लेकिन फुर्तीले भी उतने होते हैं। खैर चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने लाइफ के लिए भी सीखना है और एग्ज़ाम के लिए भी सीखना है। तो शक्कर और रक्तचाप, ठीक है। अगला हमारे पास है पिटोसिन के कार्य, गर्भाशय, मूत्राशय, ठीक है, आंत तथा पित्ताशय, पेशियों को सिकोड़ता है। आप देख सकते हो मूत्राशय से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से और गॉल ब्लैडर से। प्रभाव के बाद रक्त स्राव को कम करने में सहायता कर देता है। इसके अधिक स्राव से शरीर में वृद्धि, यौन विकास में वृद्धि, जैसा कि मैंने बताया, इसकी कमी से प्रजनन शक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ शायद, ये देखो यहाँ हम करेक्शन करते हैं, ये पिडर्सन है ना, ये पिटोसिन है, ये वाला पीडर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पीयूष ग्रंथि, जितना मैंने बताया
हर जगह में एमसीक्यू भरा हुआ है। अगर आपको डिटेल अध्ययन करना है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बाहर सवाल नहीं जाएगा। ऐसे इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आइए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण थायराइड ग्रंथि, जैसे आप हमेशा सुनते होंगे खासकर महिलाओं को, थायराइड रोग हो गया, थायराइड हो गया, हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, है ना। तो सबसे पहले स्थिति कहाँ होता है, मैंने बताया यह अस्थि कंटक के पीछे स्वर तंत्र, मैंने जहाँ से बोला कंठ जहाँ होता है के नीचे, यहाँ ट्रेकिया होना चाहिए, ट्रेकिया के सामने लैटिकन के ठीक नीचे स्थित होता है, यहाँ ट्रेकिया कर लीजिएगा। रचना कैसा होता है, यह अस्थि आकार में उल्टे कीप के समान होता है, ठीक है, जैसे ऐसे देखो ना कीप जिसमें केरोसिन तेल देते हैं, ये उल्टा कीप के समान होता है। थायराइड उत्तक की पट्टी के यह आगे वो पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है। ये तो चलो स्थान हो गया, मेन काम आगे है इसका, काम क्या क्या करता है यार, इसमें से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। इसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी होती है, यह कोशिका की वृद्धि पर नियंत्रण करता है, यानी ये टिश्यूज को डेवलप करता है, इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मतलब थायराइड भी जिम्मेवार है कि लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो थायराइड बहुत बड़ा जिम्मेवार है इसका। अगर मान लीजिए कि थायराइड कम हो गया या थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो ये देखो दिक्कत हो जाएगा, जीव नाटे रह जाते हैं, नाटे रह जाते हैं ये बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, भार आपका बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, यानी आपको हाइपो, माफ कीजिएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा, जहाँ पर आपका वजन बढ़ने लगता है। कब, जब इसका कमी हो जाता है थायरोक्सिन का, सिर में दर्द होना चालू होगा, पेशियां कमजोर हो जाएगी, सुस्ती बड़ा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और बाल झड़ने लगेंगे। तो ये आपका थायराइड की कमी के कारण, थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। कभी कभी यह ग्रंथियां स्वयं फूल जाते, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो, हाल में भी मैंने पढ़ाया, और इससे ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। पसीना बहुत अधिक आता है, शरीर गर्म रहता है, भार जो होता है घटता है, नेत्र बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं और हृदय गति बढ़ती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो तो क्या दिक्कत होगा, ज़्यादा हो क्या दिक्कत होगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग देखते हैं एक निचोड़ के रूप में कि इस अस्थि के काम क्या क्या है। यह शरीर के तापमान में मेटाबॉलिज्म दर को नियंत्रित करता है, एक तरह से आप डायरेक्ट बोलो तो तापमान को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। देखो दोनों, ये मेटाबॉलिज्म मतलब ये हो गया कि उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएँ होती है उसको कंट्रोल करके रखना, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, आंतों की ग्लूकोज रक्त और उत्पादन को नियंत्रित करता है, आंत में जो आपका ग्लूकोज होना चाहिए उसको वो कंट्रोल करके रखेगा और उसका जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसको कंट्रोल करेगा। थायरोक्सिन स्राव को नियंत्रण में रखता है, यदि थायरोक्सिन में ज़्यादा स्राव हो तो उसे घेगा कहते हैं, ये मैंने बताया। तो आई होप कि थायरॉइड ग्रंथि का काम आप समझ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं अगले वाले ग्रंथि में, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। मैंने बताया था फोटो में भी दिखाया कि ये किडनी के पास होता है, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्रंथि। स्थिति कहाँ होता है, जैसा कि बताया ये प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी भाग में होता है, यानी किडनी के, इसकी संख्या दो होती है क्योंकि किडनी दो होता है। रचना, ये तिकोने आकार की छोटी ग्रंथियाँ हैं, प्रत्येक ग्रंथि का बाहरी भाग कार्टेक्स और आंतरिक भाग वेदना कहलाता है, ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, काम, तो काम को आप कैसे पढ़ोगे, काम को आप ऐसे पढ़िए कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्रत्येक अस्थि के दो, एक होता है यार कार्टेक्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। ये जो है ना वेदना, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, ये मेडुला बोलिए क्योंकि इंग्लिश में मेडुला ही बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका अगर काम जानना है तो अपने को कार्टेक्स का काम जानना पड़ेगा और मेडुला का काम, आपने सुना होगा मेडुला ओब्लोंगेटा। आइए देखते हैं कार्टेक्स क्या करता है। यह ग्रंथि का बाहरी भाग होता है, यह ग्रंथि से, यहाँ कार्टिन कर लीजिएगा, कार्टिन स्राव निकालता है, ध्यान दीजिएगा कार्टिन स्राव का काम क्या है, जो पुरुषों और स्त्रियों की यौन इंद्रियों पर प्रभाव डालता है, यानी जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उस पर प्रभाव ये डालता है। यानी अगर मान के चलिए किसी में सेक्सुअल डिसेबिलिटी आ गया तो मतलब उसका जिम्मेवार ये कार्टेक्स हार्मोन होगा, यानी वो कम बन रहा होगा,
यह जल और रासायनिक लवण के आवागमन पर भी नियंत्रण रखता है, यानी पानी और जो आपका केमिकल्स वगैरह होता है वो आने जाने पे नियंत्रण करता है। और इसका मेन काम दोस्तों ये दोनों है, तनाव में सहायता करता है, यानी जो लोग डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं या बहुत टेंशन होता है, अगर ये हार्मोन सही रूप से बनेगा तो उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्रभाव डालता है, यानी प्रोटीन का डेवलपमेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट का डेवलपमेंट, मतलब एक तरह सोचिए जो खाना से आया वो शरीर के अंगों तक पहुंचाना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आ जाते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में। यह ग्रंथि का भीतरी भाग है ना, ये ग्रंथि का भीतरी भाग है, और एक एक करके पढ़ते हैं। यह हृदय की धड़कनों को बनाए रखता है, तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। हार्ट बीट जो हमारा चलते रहता है हमेशा जब तक हम लोग जीवित हैं, तो ये मेडुला करता है। जरूरत आने पर मांसपेशियां हृदय में अधिक रक्त प्रवाहित करती, मतलब कोई अगर इमरजेंसी आ गया, सपोज करिए कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो देखिएगा हाँपने लगते हैं। क्यों हाँपने लगते हैं? क्योंकि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है, और इसको कौन पंप ज़्यादा करवाता है? तो मेडुला करवाता है, यही बोल रहा है कि हृदय में अधिक रक्त प्रवाहित करता है। डर भय के तनाव के समय ब्लड प्रेशर का अधिक होना इसका कारण है। तो ये हम सबके साथ होता है, चाहे हम लोग स्वस्थ हों चाहे अस्वस्थ हों। यानी अगर मान लीजिए कि मेरे को डर, तो यार सबको किसी न किसी चीज़ से लगता ही है, मान लीजिए घर पे ही कोई टेंशन हो गया, तो आप बहुत टेंशन में आ गया और आपको डर लगने लगा, तो उस समय क्या होगा, आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी रक्त को होता है ना वो हार्ट तक पहुँचाने का प्रयास करता है, तो आपका प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों समझ गए होंगे कि कॉर्टेक्स क्या करता है और आपका मेडुला क्या करता है। कोई इसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। साधारण शब्दों में स्राव, इसका स्राव ग्रंथियों को उत्तेजना और शक्ति प्रदान करता है, यानी आपको ये एड्रेनल ग्लैंड का काम है। उत्तेजित अवस्था में त्वचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये तो आप और हम बहुत बार बचपन से एक्सपीरियंस करते रहते हैं। मान के चलिए कि कोई चीज़ से आपको बहुत लगाव है और वो चीज़ आपको मिल जाए दिख जाए, तो आपका देखिएगा रुआ खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति लड़ने या भागने के लिए तैयार रहता है। नेत्र की पुतलियां फैल जाती है, यानी मान के चलिए कि आप ये हार्मोन स्वस्थ रूप से बन रहा है, सही रूप से बन रहा है, तो आपके पास अगर कोई काम आएगा, अगर आप मान लीजिए उसमें इंटरेस्टेड हो, तो तुरंत आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपको मारने के लिए आ रहा, तुरंत आप उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस समय आपका आँख का पुतली फैल जाएगा, आँख भी पड़े हैं ना, आँखें बाहर आ जाएगा। ये कब होता है? जब आप बहुत गुस्सा में होते हैं। रक्त मस्तिष्क की ओर अधिक बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, ये था आपका अधिवर्ग की ग्रंथियाँ। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट 1, थोड़ा सा छोटा मैंने कराया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ें, और पार्ट 2 हम इसको अगली बार कराएंगे, और आपके करेंट अफेयर्स को हम प्रिपेयर करने में थोड़ा लगे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको पढ़ें, आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा छोटा क्लास था, और इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।